हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बात करने जा रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे सभी ने लगा ली है चाय की टपरी और यहाँ पर मदद की है शुक्ला दादा ने, जो कि दोस्तों बिल्कुल ऑब्वियस था कि शुक्ला दादा मदद करने वाले हैं सभी की। वहीं दोस्तों, सभी टपरी लगाए, सभी कोई काम करे और राव साहब और अक्का साहब कोई अड़चन ना डाले, ऐसा तो हो नहीं सकता। दोस्तों, यहाँ पे राव साहब बिल्कुल परेशान करने वाले हैं सभी को, क्योंकि उनको झूठी इमेज यहाँ पे दोस्तों, अगर सभी को घर से निकाल ही दिया उन्होंने और अपनी बहू नहीं मानते तो यहाँ पर सभी से क्या ही उनको। यहाँ पे सभी कुछ भी करे, इस चीज़ से राव साहब और अक्का साहब को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो चैन से नहीं बैठने वाले। वो बिल्कुल सभी को परेशान करेंगे, चाहे राव साहब कोई नोटिस भेजें सभी को कि यहाँ पे वो दुकान नहीं लगा सकती, या फिर किसी और तरीके से परेशान करें, लेकिन परेशान बिल्कुल करने वाले हैं। वहीं दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि सभी जो है कुछ समय तक तो दुकान चलाएगी, लेकिन उसके बाद मेकर्स ये दुकान का जो सेटअप है वो चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सभी की ताई ही ठीक हो जाएगी कुछ समय बाद, तो फिर मेकर्स दुकान को क्या ही करेंगे, सभी की ताई ही यहाँ पर ठीक हो जाएगी कुछ समय के बाद। दोस्तों, पहले एपिसोड्स में आप लोग देखेंगे कि रीवा देख लेगी सभी की चाय की टपरी और जाकर लगा देगी राव साहब और अक्का साहब को आग, और यहाँ पे दोस्तों आग अच्छे लेवल की लगने वाली है। और दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ईशान जो है, ईशान भी अगेंस्ट हो जाएगा सभी की चाय की स्टॉल लगाने से। वहीं दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में आप ये भी देखेंगे कि जब जो इल्ज़ाम लगा हुआ है पेपर लीक का, जब उसकी कार्रवाई होगी, यानी कि जो मीटिंग बिठाई है ईशान ने, उसमें ईशान को कुछ ना कुछ ऐसा सुराग बिल्कुल मिलने वाला है जिससे सभी की बेगुनाही साबित हो सकती है। वहीं चिन्मय जो है बिल्कुल मदद करेगा सभी की यहाँ पर दोस्तों, कि आज के एपिसोड में भी आपने देखा कि चिन्मय ईशान को समझाता हुआ हमें दिखा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों सभी की भी चिन्मय मदद करता हुआ हमें दिख सकता है। ओवरऑल दोस्तों, सभी बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली हैं आने वाले कुछ एपिसोड्स में पैसा कमाने के चक्कर में, मतलब कि उसको देख के दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा एज अ ऑडियंस दुख हो रहा है। वहीं दोस्तों, सबसे बड़ी खबर तो ये आ जाती है सामने कि ईशा मैम का जिक्र हुआ है आज के एपिसोड में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि जो मानसी सालवी मैम है वही रिटर्न होकर आएंगी उसी फेस के साथ ईशा मैम के करेक्टर में। तो यहाँ पे दोस्तों जो उम्मीदें थी ईशा मैम का रोल है वो कोई और अदा करेंगी, तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी हमें कम लग रही है। अब जो मानसी सालवी मैम का जिक्र हुआ है उनका चेहरा ही दिखाया है, जो क्लिप दिखाई है एपिसोड में, तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि मानसी सालवी मैम ही रिटर्न होकर आएँ जब भी ईशा मैम का करेक्टर की नीड वापस से होगी। तो यहाँ पे दोस्तों इट्स हाई टाइम कि ईशा मैम को वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बोरियत फैल चुकी है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि ईशा मैम की वापसी होनी चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बिल्कुल बता सकते हैं। तो दोस्तों, बस यही तक था आज का हमारा वीडियो। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।